तो वीडियो स्टूडेंट से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ना आपसे परमिशन लिया है ना आपको इन्फॉर्म किया है इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई तकलीफ होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं उस पार्ट को ट्रिम कर दूंगा। थैंक यू। बिरयानी विद मटन खाने में आता है मज़ा, 2-3 किलो मुर्गी पलक झपकते ही सफा। मीठा खाने का मन करता है तब ऑर्डर देती है केक, 100 मोमोस खाने के बाद भी जिसका भरता नहीं पेट। हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंसानी राक्षस उर्फ मैडी ईट्स। हाँ, खाना जिसका काम है मैडी उसका नाम है। तू लोग ना उसको शांति से खाने भी नहीं देता। अरे उसका खाना देखने से तू भी शांति से नहीं रह पाएगा। अरे ऐसा 4 प्लेट बिरयानी लेके बैठती और चिकन का पैर ऐसे पूरा निकल जाती है साफ। नो गाली नो गाली लड़की है, नो गाली। ऐसे रेलगाड़ी जैसे साइज का रोल ये ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट खा लेती। हाथी के टट्टे जैसा साइज का मोमो ना खाने से जिसका पेट नहीं भरता। एक गमला चाउमीन वो अकेले ही साफ कर देती है। नॉर्मल इंसान के लिए फर्स्ट फ्लोर या ज्यादातर सेकंड फ्लोर तक का बर्गर चलता है, लेकिन मैडी के लिए साला 10th फ्लोर तक बर्गर नहीं खाया तो क्या खाया। नॉर्मल इंसान 1-2 पेस्ट्री खाता है, लेकिन मैडी के लिए पूरा केक का दुकान लाना पड़ता है घर में। आगे और भी है, मुर्गी के शरीर पे लाल हरा रंग करके उनके साथ होली खेलती है। तो मैंने कुछ लोगों का सर्वे किया है जो लोग मैडी के एरिया में रहते हैं, तो उनका क्या कहना है चलो देखते हैं। अच्छा, आपको लगातार एंटरटेन होते जाना है इसलिए आप आए हो इस टीवी क्लिप्स पर। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि आप तो मैडी ईट्स के एरिया में रहते हो तो उधर का माहौल कैसा है अभी? मतलब कि आप सोच नहीं पाओगे, इतना डरावना है। मतलब हम लोग हमेशा ऐसे आतंक में रहते हैं कि कब कुछ हो जाए वहाँ पर। तो मैडी जिस दिन टारगेट लॉक एंड लोडेड कर लेती है कि मुझको यही खाना है, तो उस दिन आपके एरिया में माहौल कैसा रहता है? मतलब कोई भूख हड़ताल पर जाता है उस दिन? पूछो मत, आप जस्ट पूछो मत। मतलब मैडी जिस दिन चिकन खाने बैठती है ना, उस दिन हम लोग के एरिया में किसी और को चिकन नहीं मिलता। मतलब अब कैसे बताऊँ आपको, मैडी जिस दिन सोच लेती है ना मेरे को मछली खाना है, उस दिन हम लोग के तालाब की सारी मछलियाँ तालाब के गहराइयों में जाके तपस्या करने चली जाती है। मतलब इतना खौफ है हम लोग के एरिया में मैडी का। मतलब मछली तो फिर भी खाने की चीज़ है, हम लोग इंसान खुद आतंक में रहते कि कब कुछ हो जाए, कब कुछ हमारा काट के लेके चला जाए। मतलब इतना खौफ है। मरी हुई मछली? चौदू हो क्या? मतलब मरी हुई मछली कैसे तैरेगी? नहीं, मैंने सोचा कि डायरेक्ट तालाब से उठाकर खा लेती है। कर दिया ना VR बोर्ड वाली बात। मतलब तारा देख के कहते हैं वो रहे हमारे दादाजी, दूर से हम लोग को देख रहे हैं। और आगे मतलब मैडी जिस दिन चावल खाने बैठती है ना, उस दिन हम लोग के गाँव में सारे किसान भूखे पेट अन्न जल का त्याग करके खेती बाड़ी करने जाते हैं। मतलब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, मतलब कयामत आ गया लगता है। इनफैक्ट मैंने एक कहानी पढ़ा था बचपन में, मतलब एग्जैक्टली कहानी का नाम क्या था, मतलब क्या था कहानी में मैं उतना बता नहीं सकता, लेकिन मैं समरी बता देता हूँ कि दूर गांव में कोई एक रहती थी जो देर रात को गांव वालों के घर जाकर सब कुछ खा लेती थी। मतलब कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रहा है मेरे को, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब अपडेटेड वर्जन तो नहीं है, मतलब कहानियाँ जो होता है वो तो रियल लाइफ के बेसिस पर ही होता है, तो हो भी सकता है ऐसा। जस्ट क्वेश्चन एडवाइजेस, वो किताब अभी छपा नहीं है। नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैडी जो इतना खाना खाती है वो किसी एक आदमी के लिए संभव ही नहीं है लाना। नहीं नहीं मैंने कब बोला डिलीवरी बॉय आता है खाना देने के लिए? मैडी के पापा हर रोज टेम्पो भाड़ा करके खाना लेके आते हैं। आपके उधर जो सब्जी वाले हैं उन लोगों का क्या कहना है? सब्जी वालों को तो लगता है डेली इनके घर में त्यौहार चल रहा है, मतलब कोई ना कोई मेहमान आते ही जा रहा है इनके घर। लेकिन गेस्ट के नाम पर जो सारा खाना एक ही स्टमक में जा रहा है वो किसे पता। बाय द वे, आपसे एक सवाल था कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन स्टमक है वो कितना खाना स्टोर कर सकता है? इतना नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू गूगल आवर ह्यूमन स्टमक कैन स्टोर 2.5 ounces ऑफ फूड, पर ये जो खा रही है ना इसके लिए मिनिमम 4 स्टमक की आवश्यकता है, मिनिमम 4। सर एक आखिरी सवाल है आपसे। जी हाँ पूछिए। सर इतना खाना खाने के बाद पेट के अंदर गैस फॉर्म होगा ये तो कन्फर्म है, पर आप उसके एरिया में रहते हो कोई पादवाद का आवाज़ आता है? अरे बाबा, मानो जैसे परमाणु बम गिरा है, हिरोशिमा नागासाकी फैले इसके सामने। सर हिरोशिमा नागासाकी? हाँ एक ही बात है, जब गिरता है ना तब नागासाकी तेरी माँ की सब निकल जाता है वहाँ पर। मतलब ज़्यादातर पादी साइलेंसर लगा के होता है, मतलब अब आदमी है आदमी कब तक चापेगा। मतलब चापते 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 वो जब ऐसे ब्लास्ट करता है ना तब ऐसे वाइब्रेशन फील होता है। हेलो गाइस, आई एम बैक। आज मैं 100 मोमो चैलेंज करने वाली हूँ। व्हाट? बहुत ज्यादा मैं फुल महसूस कर रही हूँ, इतना मेरे अंदर और नहीं जाने वाला है। हाँ बट जो अंदर गया वो बाहर कैसे आएगा? मतलब इनपुट है आउटपुट नहीं है। मतलब आप लोगों ने क्या ऑपरेशन करके कोई डायरेक्ट पैसेज बनाया है क्या कि मुंह से खाओगे और जस्ट इमेजिन करो, जॉनी भैया और मियाँ दीदी
बिस्तर पे अपना फाइनल टर्म खेल रहे तब भी इतना आवाज नहीं होगा जितना आवाज अभी हो रहा है। ओके गाइस आई एम डन। मतलब कोई साधारण इंसान अगर इतना खाना एक दिन में खाएगा तो वो दो दिन में ही। नेक्स्ट पद्दा रिलीज, मजाई आलादा। साइजটা দেখেছেন? এরকম পদ্দা রিলিজ খেতে কার না ভালো লাগে, আমার তো ঝুমে যায় একদম বস ফাটাফাটি। हां थोड़ा फ्रेंच किस ब्लो जॉब BDSM ये सब भी कर लो, हम देखते हैं। पद्दा साइজটা দেখেছেন? हाँ तो अंदर ले लो। এরকম যদি দুটো যদি গলদা চিংড়ি হয় কেমন লাগে? এখন এই দুটোর মালাইকারি বানাবো, তবে জমিয়ে খাওয়া দাওয়া হবে চিংড়ির মালাইকারি। ये मैं 6 साल का छोटा सा बच्चा हूँ, अब मैं खेलूंगा। ये चूती दीप अभी तो समोसा थे जबरदस्त जमिए मटन बिरयानी তাছাড়া মটন কিমা মটন কষা মটন লিভার দিয়ে জমিয়ে খেতে আলাদা আজকে খেলা হবে বলছে জাস্ট অন্য লেভেল এবং খাসি রে খাসি মুখে বল নেই হাসি। আরে কই সমঝাও ইনকো, ইতনা মটন মত খাও মরোগে সালো কুত্তে কি মত মরোগে। মটন রারা দোর বানা বন্ধ কর তো সালা চুতিয়া চিজ মুড খারাপ কর দিয়া সালা। मैंने सुना था कि खाने को ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए उसको 32 बार चबाना पड़ता है, पर आप तो इतना सारा खाना 14-15 मिनट में खा लेती हो, तो क्या बाद में गाय भैंस की तरह मतलब कोई जुगाली करती हो? जस्ट क्वेश्चन है डाइजेस्ट।